इस वक्त पूरे सिंध में ज़रई पानी की शदीद किल्लत देखने में आ रही है और उसी के असरात सब डिवीज़न डिग्री और ताल के डिग्री के तमाम ही गांव देहातों में भी नज़र आ रहे हैं। ज़राअत हमारे मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है मगर बदकिस्मती से इस वक्त ज़रई सिंध में ज़रई पानी की शदीद किल्लत है। ज़मींदार अपनी फसल काश्त नहीं कर पा रहा। किसान और ज़मींदार पानी की मसनू किल्लत के मसले पर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त पूरे सिंध में 53% पानी की कमी का सामना है मगर अफसोस के बड़े बड़े दावे करने वाले हुक्मरान गहरी नींद सो रहे हैं। ज़रई सिंध और सब डिवीज़न डिग्री में जारी ज़रई पानी के बहरान के हवाले से मालूमात के सिलसिले में आवाम की पुकार की टीम डिग्री के मुख्तलिफ गाँव देहातों जिनमें गोट जमालद्दीन नुहानी, कमर खान नुहानी, हाजी गुलाम अल्लाह नुहानी पहुँची। इस मौके पर मकामी आबादगारों और ज़मींदारों आवाम की पुकार उसको बताया। भाई हमारे पास जो ये मीडिया आई है उसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। इससे पहले कोई भी हमारे पास नहीं आए है और पानी की बहुत किल्लत है। माल मवेशी हमारा मर रहा है, हमारे को पीने के लिए नहीं मिल रहा है पानी, हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, और उसके अलावा हमारा जो फसल है वो सूख रहे हैं। पानी की बहुत किल्लत है और हमारा जो है गवर्नमेंट से मुतालबा है हमारे को पानी चाहिए। कम यही आपका मेहरबानी मीडिया वाले की जो हमारे पास आप आए, बड़ा शुक्रिया आपका। हमारा बहुत फसल सूख रहा है, पानी की बहुत कमी है, ये हुकूमत से मुतालबा है, हमको पानी की ज़रूरत है, हमें पानी चाहिए। बाबा हमारे फसल सूख गए हैं, पानी नहीं है और बच्चे भूख मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, शाख में पानी नहीं है, माल भी मर रहा है और तकलीफ़ बहुत है हमको गरीबों को। देखा कि ज़रई पानी के बहरान के बायस डिग्री समेत सिंध भर में फसलें किस तरह तबाहाली का शिकार है। उम्मीद है कि हुकूमत वक्त इसका फौरी नोटिस लेगी और पानी की जो ज़रई पानी की जो किल्लत है इसे दूर करने के लिए इकदाम करेगी।